बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आयशा रोफ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कीमे के कबाब। बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने 3 पाव कीमा ले लिया है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला। यहाँ पर मैंने लेमन जूस ले लिया है, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और ये लहसुन का पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कीमे में डाल देंगे लहसुन 1 चम्मच, इसका पेस्ट, अदरक 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्ची ये भी मैंने कूट ली है, अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे नमक, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है, खाने के चम्मच ये वाला। सूख मिर्च ये भी 1.5 चम्मच, हल्दी, कुटी लाल मिर्च ये 2 खाने के चम्मच है, जीरा 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच और गरम मसाला ये। अब इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस, 2 लीमों का रस और धनिया, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि कीमा और सारे मसाले अच्छे से तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, सारे मसाले ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अंडे, पहले उनको अच्छे से फेंट लेंगे। तो अंडे मैंने फेंट लिए, मैं इनको कीमे के बीच में डाल दूंगी अंडों को, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं अच्छे से कीमे में रच बस जाए और ये अच्छा से एक बहुत मज़े की टिकिया बन जाए हमारी। तो कीमे में मसाले और अंडे डाल के इनको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए, फिर हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा मैंने फ्रिज में रखा था, इसको 2 घंटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो जिस ट्रे में आपने रखना है पहले उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके ना उसके साथ। अब हम बनाएंगे टिक्कियाँ, थोड़ा सा ऑयल हाथ पे भी लगा लेते हैं इस तरह से। इसमें इस तरह से छोटी छोटी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं सारे कीमे की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितना भी कीमा था मैंने उनकी टिक्किया बना लिया। मैं इसको पकाऊंगी तवे पे, तो चलिए बनाते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया इसको गर्म होने के लिए। जब ये गर्म होगी तो इसमें मैं ऑयल डालूंगी, फिर हम इसमें टिक्कियाँ रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। पूरे तवे पे इसको फुला देंगे। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, जब तक ऑयल गर्म होगा वेट करते हैं, फिर हम इसमें टिक्कियाँ डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टिक्कियाँ। इसमें अब जब ये अच्छे से पक जाएंगी, बल्कि ब्राउन हो जाएंगी उस साइड से, तो फिर हम इनकी साइड भी चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टिक्कियों को 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब इनको हम दूसरी साइड से भी 15 मिनट पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कियों को 15 मिनट हो चुके हैं, जब इनकी साइड पलटाई थी उसके बाद 15 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी अच्छी सी कीमे की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे, इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। जो टिक्कियाँ बन चुकी हैं आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बनी है। बिल्कुल अंदर से पकी हुई है, देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल सही तैयार हुई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इस रेसिपी को ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों तक शेयर भी करें।